नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के जानुमा पैलेस में शानामा रेस्टोरेंट में पहुंचा हूं, जहां पे अवधि फूड फेस्टिवल शुरू हुआ है आज से। और विशेष तौर से लखनऊ से आई हुई है, क्या नाम है आपका? अंजुम मैडम जो है पिछले 27 सालों से खाने के ऊपर काम कर रही हैं, अवधि खाने के ऊपर ही काम कर रही हैं। तो मैं बात करूंगा अंजुम जी से, ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। लखनवी खाने के बारे में, ये तो बेसिकली फ्लेवर्स पे बेस्ड है। और लोग सोचते हैं कि घी तेल मसाला ज़्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेवर्स। और जो हमारा नॉन वेज कबाब वगैरह होते हैं वो मेल्ट इन द माउथ होते हैं, कि ज़्यादा जहमत ना उठानी पड़े खाने में और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहे। और मैं और मेरी टीम ख़ास तौर से नॉन वेज के साथ साथ वेजिटेरियन पे भी फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जितनी यहाँ आपको नॉन वेज आइटम्स दिख रहे होंगे उससे दो चार ज़्यादा ही वेजिटेरियन भी थे। मैंने देखा यहाँ बहुत तरीके के कबाब हैं, कई कबाब हैं, टिक्का है या दूसरी चीज़ें हैं। इनमें मैंने जो जो अभी तक टेस्ट किया, इनका एक अलग स्वाद आ रहा था जो आम तौर पे रहता है, उससे हटके स्वाद है। ऐसा क्यों, उसमें क्या ऐसा आप जादू करती हैं? नहीं नहीं, लखनऊ का स्वाद है वो। लखनऊ की एक अलग अपनी खाने के लिए पहचान है। लखनऊ में जो रिफाइनमेंट है फूड का, क्लोथिंग का, हर चीज़ का रिफाइनमेंट, तहजीब तमीज़ का रिफाइनमेंट, वो खाने में भी रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये कहें कि आदमी की तमीज़ के साथ खाने की भी तमीज़ कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आपने स्पेशल बनाया है वो बता दें। आज यहाँ सारा मेरा ही खाना है। और आज गलावट के कबाब, जो बहुत लखनऊ मशहूर की मशहूर डिश है, गोश्त की बिरयानी, शाही टुकड़े मीठे में, और वेजिटेरियन में कटहल की बिरयानी जी, और वेजिटेरियन कबाब भी हैं, मटर के कबाब हैं, पनीर के कबाब हैं, और दालें हैं, ये क्या कहते हैं, लौकी की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल कहते हैं मरीज़ों का खाना, मगर खा के देखें सर। नहीं, मैंने जो मरीज़ों का खाना कह रही हैं आपने ने खाया तो उसका एक स्वाद अलग है। मतलब वो ये नहीं कह सकते मरीज़ के लिए, वो स्वस्थ आदमी के लिए है। वो तो उसका एक स्वाद जो था वो अलग स्वाद था। उस साथ में मैंने गोभी देखी, गोभी पूरी पूरी बनाई है आपने। ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, हमारे लखनऊ में जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो दम स्टाइल ऑफ कुकिंग है। दम मीन्स इन अ वे, अगर अंग्रेज़ी में बोलें तो बेकिंग हो गई, मगर ये रस्टिक बेकिंग है। ये अंगारों पे, नीचे अंगारे ऊपर अंगारे रख के, तो वो मुसल्लम का वर्ड मतलब होता है होल, पूरा। तो पूरी गोभी को मसालों में मैरिनेट करके दम किया है। आपने गोभी बहुत तरह से खाई होगी, पूरी गोभी, वो अंदर तक मसाला उसमें, वो एक अलग स्वाद के साथ आपको जहानुमा में मिलेगी। यहाँ पे इस फेस्टिवल की खूबी ये है सबसे बड़ी, कि दो जगहों का संगम है। जहानुमा का एक वातावरण अलग है, एक अलग पहचान है शानामा रेस्टोरेंट की, और लखनऊ का खाना, मतलब अपन उसके लिए ये कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। और जिस तरह से आप होटल में अभी आज पहले दिन पे आप फूड फेस्टिवल पे भीड़ देख रहे हैं, आम तौर पे उस तरह से भीड़ बहुत कम होती है। मेरे ख्याल से पूरा बुकिंग है यहाँ पर, और आने वाले 3-4 दिनों तक भोपाल को एक अलग स्वाद का खाना मिलेगा। भोपाल के खाने के बारे में कुछ बताइए, जानते हों आप तो। भोपाल के खाने से ज़्यादा तो मैं खाने वालों के बारे में कह सकती हूँ, कि मैं कई बार आई हूँ यहाँ, ये मेरा 8वां या 9वां टाइम है यहाँ आने का। तो बहुत कदरदान हैं लोग, बहुत खाना अच्छा खाना अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आप रिस्पॉन्स से देख रहे हैं। और ये एक चीज़ और मैं कहना, आपकी बात को वो करना चाहती हूँ, अग्री करना चाहती हूँ होल हार्टेडली, कि मैं कितना अच्छा भी खाना बनवा दूँ बना लूँ, अगर जहनुमा की टीम का फुल सपोर्ट ना हो हर तरीके से,
तो वो अच्छा नहीं, एक कामयाब इवेंट नहीं हो सकता। एक इवेंट को कामयाब करने के लिए दो टीमें एक साथ काम करें और एक ही तरह से खेलें, ये बड़ी बात है। जितना मैंने खाना खाया, जो भी चीज़ें खाई, वेज नॉन वेज, एक अलग स्वाद के साथ में भोपाल वालों के लिए सुनहरा अवसर है एक अलग खाना खाने का। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मैं शशि कुमार केसवानी, इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।